विश्व हिंदू परिषद आर्य नगर की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन आर्य नगर स्थित एक सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुधा मोदी, विशिष्ट अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष मनीषा चतुर्वेदी, संगीता श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने देश समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए धर्म के रक्षार्थ निधि अर्पण की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर सह संयोजिका विनीता पांडे व समाज सेविका सुधा मोदी ने कहा, जो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं इसके साथ हमको देश समाज और संगठन को और धर्म की रक्षा के लिए जो हम अपने जो जीवन यापन में हम अपने जो खर्च करते हैं श्री राम जय श्री राम जय श्री राम रामचंद्र की जय। मैं विश्व हिंदू परिषद की सह संयोजिका विनीता पांडे। हिंदू परिषद साल में एक बार धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम रखता है जो कि सामाजिक अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। इसमें एक दुर्गा वाहिनी का है और एक मातृ शक्ति हैं। तरह तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और शारीरिक मानसिक बौद्धिक हर तरह का विकास के लिए कार्यक्रम रखा जाता है। और विश्व में विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण रूप से हर जगह हिंदुओं को जागृत करने का काम करता है। और एक बार ये धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम रखा जाता है, आज उसी कार्यक्रम के उसमें हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज का जो प्रांगण है और जो आज का दिवस है, इसको सबसे पहले मैं नमन करती हूँ, क्योंकि जब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी तब तक सब कुछ लुप्त हो जाएगा। और जहाँ तक नारी सशक्तिकरण का सवाल है, वहाँ जब तक नारी जड़ होती है, जड़ जननी समर्पण सहिष्णुता सरल शाश्वता, ये सब नारी के अंदर होना चाहिए। और हम धर्म प्रधान हम देश में रहते हैं और इसी सब को देखते हुए हम आज इस एकत्रित हुए हैं। और यहाँ जब आप लोग मेरे को विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। और मैं अपना तन मन धन से मैं इसमें लगूँगी। बस यही है कि मेरे को अगर आपने इस सक्षम समझा है तो माँ शारदे और राजा राम मेरे को ऐसे ही बना के रखे, और मैं अपने देश के लिए, अपने हिंद के लिए, अपनी धरा के लिए, अपनी धरती के लिए ऐसे ही करती रहूँ। धन्यवाद। सुधा मोदी मेरा नाम है।